हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 16, और आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज अपने को रेजोनेंस का पार्ट टू सीख लेना है। यानी आज के लेक्चर को अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो हम रेजोनेंस का पार्ट वन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और रेजोनेंस का पार्ट टू, तो आज के लेक्चर से हमें रेजोनेंस पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग में पूछा जाए या फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाए। एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे कंफर्म करेंगे, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस या वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल फाइन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और लेक्चर की शुरुआत होगी होमवर्क वाले सवालों से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कमेंट बॉक्स में आप नहीं बना के दिखा पाओगे, हाँ, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि पर्टिकुलर किस मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप लोग अपना जवाब देते जाएंगे कि किस मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 7 तक हैं, 1 के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 के कितने, 3 के कितने, 4 के कितने, यही सारी बातें हम लोग को करनी है, ठीक है? सबसे पहले O3, देन कार्बोनेट, देन नाइट्रेट। चलिए ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है O3, ओजोन। तो भाई O3 में, ओजोन में आप लोग बोल रहे हैं 2 बनेंगे, मेरे हिसाब से देखिए कितने बनने चाहिए। ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता है, और इस ओजोन के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ओ, और यहां पर प्लस और माइनस, है ना? बिल्कुल सही बात है ना? ये तो एक ही माना जाएगा, तो 2 ही बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, देखिए आप लोग सब मैच करते जाइएगा, और जो आपका मैच ना करे उसमें बताते जाइएगा। लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, ऐसा करने पर जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो यहां पर सिंगल और यहां पर डबल आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 2। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS इज इक्वल टू 2, ठीक है? चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। इसके बाद कौन सा था? कार्बोनेट। ये मैं बता चुका हूं कार्बोनेट के कितने बनेंगे, ये मैंने कई जगह कल भी पढ़ाया था, तब भी बताया था, कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सही बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट, देखिए इधर, मान लीजिए आपसे कोई स्कूल लेवल पे पूछे कि इसका हाइब्रिड बना के दिखाओ, तो इसका हाइब्रिड आप कैसे बनाएंगे? ओ 3 बना लीजिए, ठीक है? अब देखिए ये डबल है और ये सिंगल है, तो ना ये डबल है ना ये सिंगल है, क्योंकि यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो आप इस तरीके से ये बॉन्ड बनाकर इस तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएंगे। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन पे फुल प्लस आया है, तो ऑक्सीजन पे फुल प्लस बना दीजिए, चाहे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लीजिए। अब एक बार इधर माइनस आया और इधर न्यूट्रल रहा है, और एक बार इधर वाले पे माइनस आया, तो दोनों पे यहां पर आप डेल नेगेटिव करके बना दीजिए, तो ये इसका हाइब्रिड तैयार हो जाएगा, ठीक है? या फुल माइनस करके बना लीजिएगा, ओके? तो ये इसका हाइब्रिड तैयार हो जाएगा। डेल का मतलब पार्शियल चार्ज, जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो यहां पर क्या माइनस इसका है? नहीं, एक ही तो माइनस देना है ना, और वो माइनस कभी इसको मिल रहा है कभी इसको मिल रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव बना दिया, तो ये ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए? RH के लिए, RH के लिए। कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। चलिए थर्ड आते हैं, और क्या था यहां पर? नाइट्रेट। नाइट्रेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते हैं, तो नाइट्रेट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? तो भाई देखो, नाइट्रोजन बनाओ और 3 ऑक्सीजन बनाओ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन को 2 बनाने हैं, तो एक तो माइनस दे दिया तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, एक इधर कहीं डबल बॉन्ड रख देते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इन दोनों ऑक्सीजन का भी काम खत्म हो गया। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कोऑर्डिनेट के थ्रू,
डबल बॉन्ड नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिससे वो एक्साइट करके अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा ले। यही अगर यहां पर फॉस्फोरस होता तो फॉस्फोरस में यहां डबल बॉन्ड लाया जा सकता था। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताया है, नाइट्रोजन पे आप प्लस लगा लीजिए और ऑक्सीजन पे यहां माइनस लगा लीजिए। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे, ये और ये एक ही है ना, तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, समझ में आ गया ना, तीन बनेंगे, देख लीजिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे नाइट्रेट के, तीन होंगे, एक बार डबल यहां, एक यहां, एक बार यहां, मतलब इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखने के लिए कोई रूल, इतनी सारी कहानी और इतनी सारी बातें, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, शॉर्टकट से ही काम हो जा रहा है। इतनी सारी बातें तो मैंने आपको इसलिए पढ़ाई, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आप ऑर्गेनिक में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ ना करें, कहीं पर भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट आ जाए तो आप फंसे ना, आप वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को समझ सके। चलिए तो यहां पर हम लोग बनाते हैं लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो ये हो जाएगा मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो ये नाइट्रोजन ओपे माइनस, यहां पर प्लस वैसे ही रहा, और यहां आ गया सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और यहां आ गया डबल बॉन्ड ओ। और क्या हो सकता था सोचिए, और यहां पर क्या बन सकता था, ये वाला लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम ऐसे, तो ये वाला ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहां पर ऊपर डबल बॉन्ड ओ बना दीजिए, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, देख लीजिए, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक बार एरो इधर, एक बार एरो इधर, एक बार एरो इधर, घुमाते रहिए, बन जाएगा, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे नाइट्रेट के। चलिए अगले पे आते हैं, और क्या क्या दिया था हमें, नाइट्रेट के बाद हमें मिला था फॉस्फेट सल्फेट, चलिए इसको भी बना लेते हैं, फॉस्फेट और सल्फेट, फॉस्फेट और सल्फेट, तो नेक्स्ट है फॉस्फेट, फॉस्फेट में क्या बनेगा, फॉस्फोरस चार ऑक्सीजन, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, ठीक है। अब देखिए तीन माइनस देने हैं और चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजनों को तीन माइनस, तो तीन माइनस का मतलब एक एक करके माइनस दे देते हैं, ठीक है, तो एक माइनस इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक 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 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो ये सब सिर्फ क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, और ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब आप समझ गए होंगे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, तो हमारे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनने वाले हैं वो हैं टोटल चार, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, बना लोगे, देख लो। तो यहां पर आंसर मैं लिख देता हूं, इसका इसका आंसर हो गया, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेंगे टोटल फोर, नाइट्रेट में ये करेंगे, ठीक है। नाइट्रेट के बाद क्या बताना था मुझे, सल्फेट, नाइट्रेट फॉस्फेट हो गया चौथा, पांचवे पे आते हैं सल्फेट, सल्फेट फिफ्थ नंबर, सल्फेट, कुछ आइडिया है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अभी नहीं बताऊंगा मैं, सल्फेट भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जैसा होगा, सल्फेट पे टू माइनस, कहीं पर भी किन्हीं भी दो ऑक्सीजन को माइनस टू दे दो, माइनस माइनस वन दे दिया, और यहां पर डबल बॉन्ड हो टेट्राहेड्रल। अब देखिए सल्फर है तो मुझे कोऑर्डिनेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल भी मिल जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो कोऑर्डिनेट लाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, एक्साइट कर देंगे, बॉन्ड बना लेंगे। हालांकि ये सब बातें तो आप लोग सीख ही चुके हो हाइब्रिडाइजेशन में। सल्फेट के कितने बनेंगे, स्मृति ने आंसर बताया है, सल्फेट के बनेंगे चार, ओके, फॉस्फेट के चार, ये तो सही है, फॉस्फेट तक सभी का आंसर सही है, सल्फेट, सल्फेट का आंसर बताइए जल्दी से, सल्फेट के कितने बनेंगे, सल्फेट का आंसर क्या आ रहा है,
सल्फेट वाले में आंसर क्या आएगा? चलिए देखिए, सल्फेट के बनेंगे 6। यही थोड़ा धोखा है, अभी आप समझ जाएंगे। जिन लोगों को 4 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहे, वो एक काम करें, इन ऑक्सीजन पे नंबर लिख दें, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। अब उनको भी दिखने लगेगा। वो कैसे? देखिए, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम बनेगा। तो ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है? तो इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, और इधर जैसा था वैसा ही रखा, ठीक है? कोई परेशानी, कोई समस्या? क्लियर हुआ? ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर देखिए अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर से सल्फर ऑक्सीजन ऐसे सेट कर लीजिए पहले ही, जब आपको पता है यही सब करना है ना? अब देखिए, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। एक बार आपने यहां से बनाया, ठीक है, तो एक बार आपने 1, 2 यहां पर 1 और 2 वाले में करा ये चेंज। अब और देखिए, और क्या हो सकता है? इसी से सोचिए, इसी से लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, ये हो सकता है एक कॉम्बिनेशन, है ना? तो जब ऐसा होगा तो सल्फर यहां पर डबल बॉन्ड ही रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ओ माइनस। यहां पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ओ माइनस, और यहां क्या होगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। देख लीजिए, अब की बार ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर हुआ? देखिए अब क्या करें, 3 तो बन गए, और क्या कैसे बनेगा? अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं, बनाइए। देखिए अब क्या करने जा रहे हैं, एक बार आपने ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम ये किया, एक बार आपने लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम ये किया। अब आप यहां से कर सकते हैं, है ना? लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो कुल मिला के मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूं, इतना सब कुछ नहीं करना है। ये तो मैं खेल रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, है ना? आप कह सकते हैं कि ये मुझे मालूम भी है कैसे बताना है, और आपको भी समझ में आ गया है, फिर भी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे नहीं बनेगा। कुल मिला के बात ऐसे समझिए, एक बार 1 और 3 पे डबल बॉन्ड आया है, एक बार 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, एक बार 1 और 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर 2, 3, समझ गए ना? 1, 2, 1, 3, 1, 4 पे डबल बॉन्ड आया, कितने बन गए? 3। फिर 2, 3, 2, 4 पे डबल बॉन्ड आएगा, कितने बन गए? 2 और बन गए, फिर 2, 4, है ना? तो 2, 3, 2, 4 और 3, 4, सॉरी 3, 4, तो ये टोटल बन जाएंगे 6। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? तो देखिए, यहां 1 और 3 पे डबल बॉन्ड था, अब यहां पर 2 और 3 पे डबल बॉन्ड हो गया, 1, 2 और 3 पे हो गया, ठीक है? और यहां वाले पे लिखते जाइए, यहां 1 और 3 पे डबल बॉन्ड था, यहां 2 और 3 पे डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर 1 और 2 पे डबल बॉन्ड हो गया, तो 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 1, 4 और बना लीजिए, तो 1, 4 कैसे बनेगा? 1 यानी ऊपर वाले पे डबल बॉन्ड, और 4, 4 कहां है? ये 4 यहां वाले पे डबल बॉन्ड, और ये माइनस, समझ गए? तो ये 1, 4 हो गया तैयार। क्लियर हुआ? बजाय घुमाने के थोड़ा बहुत ये सब तरीके भी आने चाहिए। तो 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 1, 4 हो गया, इसके बाद 2, 3 हो गया, अब 2, 4 कर दीजिए, 2, 4, 2, 4 पे क्या आएगा? 2 और 4 ये है, ठीक है ना? तो ये 2 और 4, 2 और ये रहा 4, ये लीजिए 2, 4 हो गया, 3 और 2, 5, और लास्ट बचा, तो लास्ट क्या होगा? 3, 4, समझ गए? ये हो गया 2, 4, और लास्ट बचा वो 3, 4, 3, 4 मैं छोटा सा यहां बना दे रहा हूं, ठीक है? 3, 4, तो 3, 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर डबल बॉन्ड 3 और 4, यहां पर डबल बॉन्ड 3, 4, ठीक है? और यहां यहां पर माइनस,
देख लीजिए, ये वाले को बोलेंगे 3/4, हो गए टोटल 6, कितने बने? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बना के देखिए, टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी यहां तक समझ में आया या नहीं? जल्दी से देखिए, इसके बाद 6th नंबर पे कौन सा बनाना है? CLO4-, CLO4-, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सल्फेट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना? सल्फेट वाले में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए 6th नंबर पे आते हैं, फॉस्फेट हमने बना लिया था, ये सल्फेट बन गया था, यहीं पे बना देता हूं। अगला 6th नंबर CLO4-, इसमें पहला स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे क्या करना है। CLO4- भी टेट्राहेड्रल टाइप का बनता है, क्लोरीन के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 में से 6 चले जाएंगे डबल बॉन्ड बनाने, एक बचेगा, यहां माइनस लगा दो। समझ गए कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बोलो 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार वो माइनस यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, हो गया, ठीक है। और क्या बचा था? और क्या बचा था भाई पीछे? CO2, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। CO2 स्कूल लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन CO2 के कितने बनेंगे? कोई बताएगा CO2 के कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन CO2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो ये हो गया, कितने बनेंगे टोटल? अगर इसको मिला दिया जाए, इसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करेंगे, तो टोटल बनेंगे 3। देखिए वो कैसे, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, क्योंकि कार्बन तो टेट्रावेलेंट ही रहेगा, तो यहां पर ओ पे माइनस सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और इस ओ पे प्लस, और यही काम दूसरा उधर से, तो यहां पर लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, तो ओ ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड हो, यहां माइनस यहां प्लस, तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे CO2 के। समझ गए? तो ये कंप्लीट हुआ अपना होमवर्क वाला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, अब आज अपने को कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सीखने हैं, ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें मैं नंबर डाल देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा, अदरवाइज हम दोनों ही कंफ्यूज रहेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, फिर इसके बाद ये 7th नंबर, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। तो टोटल 11 स्ट्रक्चर हैं, एक दो स्किप कर देंगे, इतने सारे नहीं बनाएंगे, ठीक है, बट आप थोड़ा बहुत अगर मेरे साथ समझेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये नीचे वाली लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बना के देख लेंगे एक बार, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में एक दो स्किप कर देंगे। चलिए खैर, अब इसके तो नहीं बनाइएगा 7th नंबर के, इसके बहुत ज्यादा बनेंगे भाई, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर तो माशाल्लाह आंसर ही है, 16 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। अब 16 कौन बनाएगा यार, है ना, ऐसा याद रखना, ऐसा स्ट्रक्चर है ये, 8 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल ये प्लस प्लस 2 बार है, ठीक है, तो इसमें चाहे जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखेंगे 16 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब 16 नहीं पूछेगा कोई भी, और 16 इतने आपको बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर आपके पास टाइम है संडे को एक बड़ा कॉफी का मग, हाँ, और ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 16 बना भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए मैं आपको
यहां वन टू में से किसी एक से, क्योंकि जो वन में बनेगा वैसे ही टू में बनेंगे, है ना। तो वन और टू में से किसी एक को बना देता हूं। तो मैं कौन सा स्टार्ट करूं, पहले ही स्टार्ट कर देता हूं। बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइल, सीएन। आईयूपीएसी खूब पढ़ी है ना आप लोगों ने, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, बेंजीन नाइट्राइल। और इसका नाम क्या होता है आईयूपीएसी नेम, बताइए। बेंजल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बताइए, कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का अगर कोई आईयूपीएसी नेम पूछे तो क्या बोलेंगे, C6H5CHO, इसका आईयूपीएसी नेम मालूम है किसी को? अरे C6H5CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आ जाए क्या लिखेंगे, जैसे इस वाले का आईयूपीएसी नेम है बेंजीन नाइट्राइल, है ना। बल्कि इससे भी ज्यादा, जो 2004 में लेटेस्ट चेंज हुए उसके बाद का मैं बता रहा हूं, तो इसके लिए सबसे अच्छा आईयूपीएसी नेम इसका रहेगा, बेस्ट आंसर, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो अगर मान लीजिए मुझे बेंजल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम लिखने को आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा बेंजल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम, बताइए। चलिए ऐसी चर्चा हुई तो आप ये भी बता दीजिए, नहीं मालूम। इन सबको स्पेशल सफिक्स से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने लॉन्गेस्ट चेन इसको कंसिडर कर लिया बेंजीन, तो फिर मैं इसको नहीं कंसिडर कर पाया तो इसको स्पेशल सफिक्स दे दिया कार्बोनाइट्राइल। वैसे ही आप यहां पे भी कर सकते थे, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड इज द स्पेशल सफिक्स। कभी अगर ऐसा हो कि मेन चेन में CHO ही इंपॉर्टेंट है और CHO गिन ना पा रहे हो, तो ऐसे में आप स्पेशल सफिक्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है, और उससे आप आंसर लिख सकते हैं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड इसका आंसर है। चलिए खैर इन सब चीजों पे छोड़ते हैं, आते हैं सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके लिए आपको आज क्लास लगाई गई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उस बेंजल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। तो नंबर वन, पहला बना रहा हूं मैं, बेंजल्डिहाइड। अगर आप बातों को समझना चालू करेंगे तो आपको एक कंसेप्ट के अंदर कई सारे कंसेप्ट मिलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में यही होता है, ऑर्गेनिक शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक दूसरे से लिंकअप है ना। तो अगर आप जैसे जीओसी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेवेंथ में ही काम आता है, जीओसी आपका आगे भी काम आएगा, ट्वेल्थ में भी काम आएगा, इवन ट्वेल्थ में एक एनसीईआरटी का वॉल्यूम टू पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसमें जब तक आप हेलो एल्केन हेलो एरीन से लेकर और आखिरी एमीन तक पूरा खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक हर कदम पे आपको जीओसी का सामना करना पड़ेगा, यानी आपको जीओसी के कंसेप्ट हर जगह यूज होने वाले, ठीक है। तो खैर आते हैं रेजोनेंस पे, अब रेजोनेंस पूरे ऑर्गेनिक में ही है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जैसे अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ये CHO ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग, तो आपको याद होगा मैंने डायपोल मोमेंट में आपको ये बातें बताई थी कि बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला एटम जो मेन एटम है उसको बोलते हैं की एटम, जैसे कार्बन की एटम है, और कार्बन से जुड़ा हुआ एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, बदले में कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाके देनी पड़ेगी, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से और ऊपर प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन को। तो चलिए देखते हैं ये पिक्चर कैसे बनेगी। यहां पर क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कलर्ड पेन का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम जाएगा और यहां से ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड जाएगा। जितने भी बेंजीन रिंग में जितने भी ऐसे ग्रुप लगे होते हैं जो रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हों, उन सब में ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, सिर्फ ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम बदल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, बाकी काम ऐसे ही करना है, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग तभी होगा जब रिंग से इलेक्ट्रॉन छीन रहा हो, और रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनने पर एरो का डायरेक्शन ऐसे ही होगा।
तो देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम जाएगा और ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड जाएगा। और याद रहे, मैंने ही आपको सिखाया था रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के सिर्फ तीन ही तरीके होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम एंड लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, चौथा तरीका नहीं होता। तो आज हम लोग बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपका काम यह है कि आपको देखते रहना है कहीं मैंने कोई चौथा मेथड तो नहीं बता दिया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का। तो यही तीन तरीके से सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं या कोई और भी तरीका है, तो चलिए देखते हैं, ये बनाते हैं हम लोग। तो यहां पर ओ पे क्या आ चुका है, माइनस, ये एच तो ऐसे ही रहा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां पर ये डबल बॉन्ड टूट गया, तो यहां ये दो डबल बॉन्ड ऐसे ही रहे और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, यहां से जाएगा तो टेल, टेल के पीछे वाला एटम यानी इस पे प्लस और टेल के आगे वाले पे माइनस, इस पे माइनस और टेल फिर से आ गया तो ये न्यूट्रल रहा और इस तरह से आया। चार्ज, चार्ज सेम रहना चाहिए सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अब इसमें तो चार्ज ही नहीं है और इसमें चार्ज है, लेकिन प्लस और माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो न्यूट्रल यहां पर भी दिखा रहा है वो, ठीक है। और अगर आगे चार्ज आएगा तो एक ही प्लस और एक ही माइनस होना चाहिए। चलिए आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं। अब क्या होगा, अब देखिए जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में की एटम और उसके ऊपर का जो होना था वो हो चुका, अब ये यही रहेगा। अब जो डीलोकलाइजेशन होगा वो रिंग में होगा, तो फिर से मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, अब कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब कार्बन की टेट्रावेलेंसी पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो अब मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड ही चलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब ऐसा आएगा तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यहां पर फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहां आ गया प्लस, समझ गए ना आप, और ऊपर तो ऐसे ही बना दो जैसा था वैसा ही बनेगा। फिर क्या किया जाए, फिर से रेजोनेंस कराओ, अब की बार यहां से फिर से रेजोनेंस कराओ, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, एरो को देखिए ध्यान से, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड। जब ऐसा होगा, जब ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड आएगा, जब ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड आएगा तो फिर यहां पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर सी, ये ओ पे माइनस और ये एच, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो दिख ही रहे, एक साथ रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। सोचिए अगर ऐसा हो जाए रिंग में एक साथ डबल बॉन्ड आ जाए, अरे तो वो कार्बन एसपी हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एसपी माने लीनियर, रिंग टूट जाएगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना दिखाएगा 180, इसलिए रिंग में एक साथ डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। फिर आगे रेजोनेंस कराइए, कब तक कराएं, जब तक इसका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो जाएगा, वहीं पे खत्म कर देंगे, वहीं पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बंद हो गए। अब यहां पर और क्या करें, अब तो कुछ नहीं दिख रहा, अब कुछ नहीं दिख रहा, तो लास्ट स्ट्रक्चर बचा, वो क्या, जैसा था वैसा ही बना के रख दो, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, ये सही बनाया है ना, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां प्लस आ गया। एक मिनट, हम लोग एक गलती करते जा रहे हैं स्टार्टिंग से ही, वो क्या, देखिए जब मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड तो ये वाला डबल बॉन्ड होगा ना, तो इसको डबल बॉन्ड करना था, ये डबल बॉन्ड कीजिए यहां पर, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहां पर जैसे ही लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो यहां माइनस आ जाएगा और ये प्लस, ये मिलकर क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये हो गया कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, ये हो गया कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो यहां डबल, यहां डबल, यहां पर भी डबल आ गया और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, आप देख लीजिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, पांच, पहला और आखिरी सेम नहीं है क्योंकि रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस है, रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस है। ये कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और वहां पर भी वही बनाइए, 1 2 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस है, इस वजह से इनको अलग अलग माना जाएगा, एक नहीं मानेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए अपने भाई, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए पांच। हर डीएक्टिवेटिंग में यही काम करना है,
हर डीएक्टिवेटिंग में यही काम करना है। जैसे मान लीजिए दूसरा रिंग डीएक्टिवेटिंग कौन है, साइनोबेंजीन। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या होने वाला है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहां पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा किससे, कार्बन से, ऐसे। और यहां कार्बन को छीनना होगा रिंग से तो मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड। तो ये कितने बन जाएंगे, कैसा बन जाएगा, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, अब की बार ये गलती ना करिएगा, यहां डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड एन, सॉरी यहां डबल बॉन्ड एन और यहां पर ये है माइनस, और यहां टेल गया तो यहां पर आ गया प्लस। देख लीजिए ऐसे मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो ये डबल हो गया और ये ट्रिपल से डबल हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अब आप क्या कहेंगे, ये तो कार्बन कैसा हो जाएगा, एसपी हाइब्रिडाइज, तो ये कौन सा रिंग में है, आप सीधा बना दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसके भी अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अब देखिए ऊपर का ये चेंज हो गया, बाकी सब वही चलेगा रिंग में, तो डीलोकलाइजेशन ऐसे ही होगा, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहां प्लस आ जाएगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहां प्लस आ जाएगा, और फिर मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहां आएगा और ये यहां से तोड़ देना, तो बस वही बन जाएगा टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 5, इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से देखिए और बताइए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और एक बात बता दूं आपको, जितने भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव हैं, बेंजीन के ऊपर एक बेंजीन रिंग हो और उसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हो डीएक्टिवेटिंग इस तरीके का, 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हर बार, हर बार 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, समझ गए ना। तो बजाय इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के, यही समझ लो कि डीएक्टिवेटिंग है या नहीं है, है ना, रिंग लगी है कि नहीं है, तो 5 ही बनेंगे। और सिर्फ डीएक्टिवेटिंग नहीं बल्कि एक्टिवेटिंग में भी इतने ही बनेंगे। कल मैंने आपको फेनोक्साइड आयन बताया था, उसमें भी तो इतने ही बने थे 5। चलिए और कौन सा बनाना है, यहां पर इस वाले में भी ऐसे ही बनेगा, फिर यहां वाले पे क्या करेंगे, यहां तो माइनस है, देखिए डबल बॉन्ड, ये कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यहां से टूट के जाएगा ये ऐसे, है ना, और जब ये ऐसे जाएगा तो इस वाले को तोड़कर यहां लाना पड़ेगा, यानी डीएक्टिवेटिंग। तो इसके भी 5, तो इसका आंसर कितना आया, 5, इसका आंसर कितना आया, 5, इसका आंसर कितना आएगा, ये भी 5। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूं, कौन सा वाला जिसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए, चलिए वो काम भी कर लेते हैं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप वाला बना देते हैं, थर्ड नहीं बल्कि नंबर नहीं डालते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से। एक मैं आपको एक्टिवेटिंग वाला बना देता हूं, कौन सा बनाऊं, पिछली बार तो मैंने O- फेनोक्साइड आयन ले लिया था, अब की बार वो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा। चलिए लीजिए NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एक बात और इंपॉर्टेंट, अभी एक्चुअल में GOC आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं लेकिन बता नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर उनको बताने पे आऊंगा तो सब चीजें मिल जाएंगी और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो हर चीज को, हर एक चीज का एक सही टाइम होना चाहिए। तो अभी जैसा कि मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिर्फ उतना बोलना चाहता हूं और उतना समझाना चाहता हूं जिससे आपको रेजोनेंस और उससे जुड़ी सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है। ज्यादा दाएं बाएं की बातें करेंगे तो फिर हम लोग टॉपिक में उलझ जाएंगे और खत्म भी नहीं होगा। तो देखिए, कभी भी बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ जो की एटम है, अगर उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि अगर उससे बगल वाला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, अभी तो नहीं है, मान लीजिए अगर ऐसी कंडीशन हो कि की एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और उससे जुड़ा हुआ एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, रिंग को तो वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन नेट में वो इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचेगा, यानी उसको नेट में बोलेंगे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अभी GOC पढ़ोगे, है ना, मैं पढ़ाना तो बंद कर नहीं रहा हूं, तो अभी जब आगे GOC हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके के डाउट फिर लाना, फिर जब हम लोग GOC पूरा आ जाएंगे तब आपको सारी बातें खुद समझ में आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, हो सकता है मैम ने आपको पढ़ाया भी हो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो आपको मालूम भी हो ये सब बातें। खैर यहां पर आते हैं,
तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन देकर ही जाएगा रिंग को, क्योंकि ये कहलाता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करता है, कौन करता है, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। तो देखिए अब की बार क्या चलेगा, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड। जैसे ही आप ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड करेंगे, ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, पेंटावेलेंट। देखिए पहले ही चार बॉन्ड बना चुका है, अब आप अगर यहां डबल बॉन्ड करवा देंगे तो कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो जाएगा। तो जब जब लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड होता है, तब तब मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम होता है। एरो पे ध्यान दीजिए, एटम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम और लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, एरो इधर उधर मत कीजिएगा। जैसे ही ये बनेगा, अब आप देखिए क्या बन गया आपका ये स्ट्रक्चर। तो ये डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन ने फाइनली इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस और यहां पर आ गया माइनस, और ये दो डबल बॉन्ड ऐसे ही रहे। ये देखिए अब क्या होगा, अब इस वाले में तो कोई चेंज अभी नहीं होगा, आखिरी में होगा। अब यहां पर चलेगा वही लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, फिर से कार्बन पेंटावेलेंट हो गया तो मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, अब ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें भी कितने बनेंगे, पांच, आप बना के देख लीजिए, आप इसको बनाकर देख लीजिए। तो लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम की वजह से यहां माइनस आ गया, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड NH2 और यहां पर प्लस, और साथ साथ जितने भी रूल बताए थे आप सबको वेरीफाई कर सकते हैं, एक बिना मैच हो तो तुरंत बताइएगा। चार्ज सेम होना चाहिए सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, चार्ज सेम है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से वही काम करना है, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर आ गया माइनस, और ये डबल बॉन्ड NH2 और N पे हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, अब लास्ट बचा तो लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो ऐसा करने पर यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां आ गया डबल बॉन्ड, बाकी तो ये डबल बॉन्ड था ही यहां पर, और ये सिंगल बॉन्ड NH2, और जब ये यहां जाएगा तो यहां माइनस और प्लस न्यूट्रल, तो ऐसे ही रहा। देखिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ कि नहीं, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 5। तो चाहे बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कितना आएगा, 5। याद रहे एक बेंजीन रिंग लगी है तो ऐसा होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई समस्या, जल्दी से देखिए और बताइए। कुछ पूछना है यहां तक, नहीं पूछना, चलिए। अब कौन सा था स्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने इतने तो बना लिए, अब आते हैं इस पे चौथे नंबर पे, 4, 5 ये सब बनाने हैं, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर और फिर ये वाला स्ट्रक्चर, चलिए बनाते हैं। फोर्थ नंबर पे ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जीओसी में पढ़ाएंगे। देखिए क्या रेजोनेंस होगा, तो भाई ये कार्बोकेटायन है sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, प्लेनर तो है, प्लेनर है, क्या चार्ज रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, तो
तो डबल बॉन्ड ये बना है और डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल, फिर ये सिंगल, लेकिन दो सिंगल के बीच में प्लस है तो चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा। अगर डबल रिंग के अंदर दो सिंगल एक साथ आए और उनके बीच में अगर प्लस या माइनस है तो चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा। ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का ही हिस्सा है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी प्लेनर है, डिलोकलाइज भी हो रहा है, तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो यार। मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, जैसे ही आपने मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड यहां से खिसक के यहां आ गया और यहां आ गया माइनस, तो हो गया न्यूट्रल, और टेल ये रहा और टेल के पीछे वाला एटम देखते हैं तो प्लस यहां आ गया। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करो, एक बार और घुमा दो। मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, जैसे ही आप मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड करेंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहां एरो का हेड, हेड के आगे वाला एटम, यहां माइनस आएगा न्यूट्रल, और ये टेल, टेल के पीछे वाला एटम, यहां प्लस। ये लीजिए कितने बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? तीन। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगला बनाते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो, उसमें 7 मेंबर्ड रिंग है। अगला जो स्ट्रक्चर है उसमें 7 मेंबर्ड रिंग है, तो 7 मेंबर्ड रिंग बनाइए पहले, तो ऐसा ये आपका हो गया 7 मेंबर्ड रिंग। इसका नाम भी है, पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। इसका नाम है ट्रोपाइलियम, नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। अच्छा, साथ साथ ये भी देखते जाइएगा कि कहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और कहां पर नॉन इक्विवेलेंट। जैसे ये कैसा बन रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल होते हैं। जैसे पीछे आप देखिए, पीछे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इन सब में क्या बन रहा है, इसमें देखिए चार्ज इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो एक बार कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, फिर कार्बन पे प्लस दिख रहा है, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे चार्ज नहीं है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट में जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर चार्ज नहीं है, एक में चार्ज, एक जैसे नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां बनाइए। चलिए आप लोग अपने आप बनाइए और देखिए कितने बनेंगे, अब मैं मदद नहीं करूंगा, अब आप लोग खुद बनाइए। बहुत हो गई स्पून फीडिंग, अब आप लोग खुद से बनाइए और खुद से सीखिए। देखिए दूसरे की मदद से सिर्फ थोड़े टाइम तक सीखा जा सकता है, अगर चाहते हो लंबे टाइम तक सीखना तो उसके लिए अपनी मदद खुद करो। मैं वेरीफाई करा दूंगा, बनाइए आप लोग खुद। कितने बनेंगे मुझे भी नहीं मालूम, आप ही लोग जो बताएंगे वो लिख लूंगा, इसलिए सोच समझ के बताना। कितना बन रहा है? आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया क्या? पांच ही बन रहा है या पांच से ज्यादा बन रहा है या पांच से भी कम बन रहा है? आप लोग टेंशन ना लीजिए, अगर पांच से कम बनेगा तो मुझे तो एक इरेज ही करना है, और क्या दिक्कत है।
बताइए कितना बन रहा है, कितना बनेगा इसका आंसर? आंसर आंसर कैसे घुमाएं, एक बार मैं घुमा के दिखा दूं, यहां पर प्लस है, बाकी सब में कॉन्जुगेशन दिख रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो घुमा दीजिए कहीं पे भी जहां आपका मन करे, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड तो प्लस यहां आ जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, बाकी जैसा था वैसा बना के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए, अब घुमाइए और बताइए कितना बनेगा, और घुमाइए और बताइए कितना बनेगा। अब बेवकूफी ये ना कर देना कि यहां से ऐसे घुमाएं, अब फिर यहां से ऐसे घुमा के यही बना दें और कहें सर यही हो गया, तो पूरी रिंग में घुमाइए, एक डायरेक्शन ले लीजिए, जैसे यहां आपने क्लॉकवाइज ले लिया तो हर जगह क्लॉकवाइज बनाते जाइए, तो क्लॉकवाइज और आगे घुमाइए, ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड तो प्लस यहां आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड तो पहले से था, यहां पर भी डबल बॉन्ड पहले से था, यहां डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पर हमने यहां से दिया है मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, यहां ना प्लस लगा देना, प्लस कहां आएगा देखो यहां, क्योंकि दो सिंगल आ रहे हैं ना, वहीं पे बीच में आ रहा है प्लस। बोलो क्लियर है, और बताओ क्या करोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो अब की बार प्लस यहां लगा देना, यहां पर प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दिख रहा है? अब बताओ और क्या करोगे, और क्या करोगे बोलो, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो यहां डबल आ गया, यहां डबल हो गया, यहां डबल हो गया, और ये टेल, तो यहां प्लस आ गया, और कुछ बन सकता है, और कुछ बन सकता है क्या? अच्छा सब एक ही जैसे बनते दिख रहे हैं ना, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो और कुछ बन सकता है क्या, एक बार इस कार्बन पे प्लस आया, फिर आपने रेजोनेंस करके दूसरे वाले पे प्लस लगा के देखा, फिर कहीं पे तो आ गया है, क्या ये सही है? इतना ठीक है कि और बन जाएगा, इतना ठीक है कि और बन जाएगा, बताइए जल्दी बताइए, अच्छा ध्यान से देखिए, क्या इस वाली पोजीशन पे कभी प्लस आया है? आया है, यहीं पर आ गया है लो। और कौन सी ऐसी पोजीशन है जो छूट सकती है, छूट गई है, या जिस पे बना सकते हैं? प्लस यहां पर आया है, प्लस यहां पर आया है, और यहां वाले पे प्लस, वो दिख रहा है यहां पर भी हो गया, यहां वाले पे प्लस, यहां वाले पे प्लस नहीं आया, देखिए ध्यान से, यहां वाले पे प्लस नहीं आया, यहां वाला देखिए, ना इसमें आया, ना इसमें आया, ना इसमें आया, ना इसमें आया, बन सकता है कैसे? मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, फिर से बना दीजिए मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहां बना दीजिए, इधर बना दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड आप जैसे ही बनाएंगे, वैसे ही यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड था ही, और यहां डबल बॉन्ड था ही, यहां प्लस आ जाएगा, ये देखिए है ना, थोड़ा प्लस साफ सुथरा बना दीजिए, तो ये भी बन गया, कितने हो गए? छह हो गए। और कुछ हो सकता है, और कोई ऐसी पोजीशन जिसपे प्लस ना आया हो और आ सकता हो रेजोनेंस कराकर? तो ये भी पोजीशन हो गई, ये भी पोजीशन हो गई, ये वाली देखिए जरा, ये वाली पोजीशन पे आया क्या किसी में प्लस? नहीं आया, ये वाली पोजीशन पे भी नहीं आया कभी, ये देखिए ये वाली पे नहीं आया, ना यहां ना यहां ना यहां, तो अब कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक बार और घुमा दो, ये लो एक बार और घुमा दो, और घुमाओगे एक बार तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब क्या करेंगे, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर प्लस आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं आया। तो इसके बनेंगे 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका आंसर है 7, बिल्कुल सही। स्मृति ने भी आंसर दे दिया, नमन ने भी आंसर दे दिया, 7 सर नहीं बनेंगे, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नमन 7 सर कहां बन जाएंगे यार, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे।
ठीक है, तो ट्रोपाइलियम वाले के कितने बन गए? 7। इसके कितने बने थे? 3। इसके कितने बन गए? 7 ट्रोपाइलियम वाले के। ठीक है, इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं बनेगा बता दूं? देखिए, ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाला बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं आएगा। ये एक्चुअल है ना, ये एक नॉन एरोमेटिक है, बस आप इतना लिख लीजिए। जब कभी मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊं तो आप फिर से पूछिएगा। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें ये है ना टब शेप जैसा बनाता है, ये इसमें रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। यहां पर बॉन्ड एंगल 134 डिग्री आता है, थीटा कितना आता है? 134 थीटा इसमें आता है, 134। अब सोचिए 134 डिग्री पे कहां प्लेनरिटी आ जाएगी? तो ये नॉन प्लेनर में चला जाएगा, प्लेनरिटी नहीं आएगी। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं आपको जब एरोमेटिसिटी सिखाऊंगा तो बताऊंगा इसके बारे में। इस कंपाउंड का नाम है कॉट, कॉट। अरे वो मैथ वाला नहीं, साइन कॉस कॉट वाला, ये कॉट है। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इसका नाम है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। 4 डबल बॉन्ड है ना, तो टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कॉट। ठीक है, इसके तो बताई दिए बनाओ ही ना, 16 बनेंगे आंसर, बस याद रखो। चलो इसका बनाओ, एट्थ नंबर इसका बनाओ, एट्थ नंबर। ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एक दूसरी रिंग लगाई है और यहां पर डबल बॉन्ड लगाकर इसके बगल में प्लस। चलिए बनाइए। अच्छा, जैसा आपने अभी किया ना, ये इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ठीक इसके भी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए इस वाले के, वो कैसे? देखिए ध्यान से देखिए, ये रिंग तो वही है, वहां प्लस था यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां बोरॉन लिखा है, बोरॉन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी ही है। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 शेयरिंग से आगे कितने हो गए? 6। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो आप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो ये इस तरह से एक्सेप्ट कर लेगा, तो कितने बन जाएंगे? 7 इसके भी बन जाएंगे, तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं। यानी अब अपने को बनाना रह गया 8, 10 और 11, 8, 10 और 11, इन तीन में जानना रह गया। क्लियर है? नाइन्थ वाले के भी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 7। चलिए एट्थ वाले का बनाते हैं। कोशिश कीजिए आप लोग, देखिए बना पाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा था? जहां बॉन्ड लगा है वहीं लगा देता हूं, डबल सिंगल इस तरह से है और फिर यहां डबल है। यहां पे प्लस है ना, ठीक है चलिए बनाते हैं। आप लोग बनाइए और मैं फिर आपको बताता हूं आपका आंसर सही है या गलत है। ज्यादा बना दे रहा हूं क्या? एक
बना दिए, 3 4 3 7, चलिए 7 पे ही देखते हैं अभी क्या और बनेंगे, चेक करते हैं कितने बनेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। एक्चुअल में बता दो आंसर तो फिर आप लोग उतना ही बनाओगे और उससे ज्यादा उससे कम के बारे में कुछ सोचोगे ही नहीं। जल्दी बनाइए और बताइए मुझे कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, चलिए देखते जाइए चेक करते जाइए आप। ये है मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ठीक है ना, तो ये रिंग यहीं पे रही और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। फिर क्या किया है, फिर ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, जैसे ही यहाँ मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहाँ लगाएंगे यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और टेल यहाँ गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यानी इस वाले पे प्लस आ जाएगा और यहाँ वाले पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था और ये जो पहले के बॉन्ड थे उनको वैसे ही बना दीजिए भाई, जो तोड़ा है उसी को तो चेंज करेंगे ना, जो कुछ किया ही नहीं उसको तो वैसे ही रखेंगे। अब क्या किया जाए, फिर से ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड लगा देते हैं तो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है लगा दीजिए। फिर अब क्या किया जाए, फिर से अब यही किया जाए मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, तो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, प्लस यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये रहा, फिर डबल बॉन्ड ये रहा, फिर डबल बॉन्ड एक ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, देखिए है ना, और सब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, कार्बन पे ही प्लस सभी पे आता जा रहा है। और कुछ बन सकता है क्या इसमें, और कुछ बनाया सकता है, और कुछ यहां पर बनाया जा सकता है, देखिए तो ये डबल डबल आ गया यहां पर आ गया प्लस और ये ऐसे आया, अभी और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, 1 2 3 4 5, 5 तो बन गए, 5 तो बन गए, 3 और 2 5, कुछ और करेंगे आप, कुछ और करने से आंसर बनेगा। बताइए बताइए, अभी आपने किधर से घुमाना चालू किया था, इधर से है ना, तो इधर से इस वाले पे घुमाया, फिर आपने इधर वाले पे घुमाया और फिर इधर से लेकर आए, बनाइए और बनाइए। कितने बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए यहां से मूव कराया तो यहां तक पहुंच गए, अब एक तरीका यह है कि ये वाला मूव करा दिया जाए, और भी कुछ हो सकता है क्या, क्या और भी कुछ हो सकता है, हम लोगों ने इधर से मूव कराया फिर इधर वाले पे मूव कराया फिर इधर वाले पे मूव कराया फिर इधर वाले से मूव करा दिया तो यहां प्लस आ गया है ना, तो यहां तक तो हम प्लस पे ले आए हैं और यहां तक प्लस पे लाने के बाद अब किधर से मूव करा सकते हैं इसको सोचना है। तो जैसे यहां पर प्लस आ गया तो अब ये इतना बड़ा तो नहीं मूव करेगा, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड यहीं तक आ पाएगा, तो बेहतर है कि हम क्या करें कि हम पोजीशन देखते हुए हम यहां पर बना दें ये डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड आते ही यहां प्लस आ जाएगा, ये आ गया यहां पर प्लस ठीक है, और यहां प्लस आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और ये यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, देखिए क्या और कुछ बन सकता है। अच्छा ये भी चेक कर लीजिएगा, यहां प्लस पहले तो कहीं नहीं आया है, यहां प्लस यहां आया है, लेकिन जब यहां प्लस था तो यहां पर डबल बॉन्ड नहीं था, तो यहां और यहां की रिलेटिव पोजीशन बदल गई है इसलिए ये सही है ठीक है। और सोचिए और क्या हो सकता है, अब अगर मैं यहां पर इस तरह से लेकर आ गया तो अब मैं डबल बॉन्ड को और कहां लेके जा सकता हूं, अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां से यहां लेकर आया तो देखिए ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वहीं आ गए जहां से चले थे, तो वो काम नहीं करना है, अभी अपने को
इस तरह से एक ही डायरेक्शन में और घुमाते जाइए, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल सिंगल अल्टरनेट चल गए, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर आ गया प्लस, यहां पर आ गया प्लस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? तो ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड लाकर हम यहां पर आ गए और यहां तक पे प्लस आ गया। क्या अब और कुछ बन सकता है? सोचिए, कितने बना लिए आपने गुणे? 3, 4, 5, 6, 7, और नहीं बन सकते क्या? यहां पर और नहीं बनाए जा सकते? देखिए और सोचिए, क्या और बनाए जा सकते हैं? यहां पर डबल बॉन्ड आने पर देखिए, ये और ये सब जितने भी ऊपर के बन रहे हैं, इन सब से तो डिफरेंट है। तो अगर आप यहां पर डबल बॉन्ड लाके बना रहे हैं, तो इसका मतलब सब नए बन रहे हैं। यहां पर डबल बॉन्ड लाने पर एक बार यहां प्लस आया, यहां पर डबल बॉन्ड लाने पर यहां प्लस आया, और दो ही बने हैं और कोई नहीं। तो अगर मैं यहां पर इससे तब फिर यहां पर मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड अगर लेकर आऊं और यहां प्लस लेकर आऊं, तो यहां वाले पे क्या बनेगा? अरे ये तो यही बन जाएगा यार, कुछ नया नहीं होगा, हटाओ। और सोचो और कितने बनेंगे? या 7 ही बनेंगे? और कितने बनेंगे? या 7 ही बनेंगे? सोचना तो पड़ेगा। कितना आंसर आ रहा है? मेरे ख्याल से इतने ही बन रहे होंगे। यहां पर प्लस ले आए, फिर यहां ले आए प्लस, कार्बन कितने हैं टोटल? दस कार्बन है। सब पे प्लस आ चुका है क्या? एक एक बार इस पे प्लस, फिर यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, इसके टोटल बनने चाहिए 10। और बनाओ, अभी और बनेंगे। जितने कार्बन दिख रहे हैं सब पे एक एक बार प्लस आएगा, सभी पर एक एक बार प्लस आएगा। और बनाओ, जैसे कि अभी देखो यहां वाले पे प्लस नहीं आया। क्या यहां वाले पे कोई तरीका है जिससे प्लस आ जाए? क्या यहां वाले पे कोई तरीका है जिससे प्लस आ जाए? सोचिए, ऐसा भी तो होना चाहिए ना, जिससे यहां पर प्लस आए। इधर से तो बना के देख ही लिया, इसी को रिवर्स कर देते पहली बार में, मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड, फिर ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम करके लाते, तो यहीं पे पहली बार में प्लस आ जाता। इसके टोटल 10 बनेंगे भाई, बना के देख लेना, और भी बनाना, और अगर नहीं बनते हैं तो बताना मुझे। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अभी टोटल बनेंगे 10। 7 आपके सामने हैं, 3 आपको और बनाने हैं। 7 आपके सामने हैं और 3 आपको और बनाने हैं, तो 3 के लिए और जगह छोड़ दीजिए, 3 के लिए और जगह छोड़िए। टोटल आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फॉर्म होंगे वो 10 फॉर्म होंगे, और भी बनाइए। बन गए 10? बन गए तो बहुत अच्छी बात है भाई, बधाई हो। हर कार्बन पे एक एक बार माइनस आएगा, कार्बन ही गिन लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हर एक पे एक एक बार आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से बचे इसके बाद अपने पास क्वेश्चन? और कौन से बचे इसके 10th नंबर वाले के बनाने हैं? 8th नंबर वाले का आंसर कितना आया? 10। 9th वाले का 7। इसके बनाइए, इसको बोलते हैं नेप्थालीन। दो बेंजीन रिंग को एक साथ जोड़ दिया जाए जिसमें कॉमन कार्बन दो हो, तो उसको बोलते हैं नेप्थालीन, नेप्थालीन। ठीक है, और अगर कॉमन कार्बन एक है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है दो रिंग, तो उसको बोलते हैं बायफेनिल, इसको बोलेंगे नेप्थालीन। इसका नाम है एंथ्रासीन, नाम लिख लीजिए, इसका नाम है नेप्थालीन और इसका नाम है एंथ्रासीन। चलिए बनाते हैं नेप्थालीन और एंथ्रासीन को,
और देखते हैं नेप्थेलीन और एंथ्रासीन में कितने बनेंगे। तो नेक्स्ट है 10th नंबर, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, नेप्थेलीन और एंथ्रासीन, जिनको बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप चालाकी दिखानी है, ना कि बनाना है, क्योंकि आप जितना घुमा घुमा के बनाएंगे तो कोई प्लस चार्ज भी नहीं है, तो आपको कंप्लीट डिलोकलाइजेशन करके ही दिखाना पड़ेगा। तो देखिए ये है नेप्थेलीन, और 11वें नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूं जो एंथ्रासीन आपको बनाना है, यानी तीन बेंजीन रिंग जोड़नी है। अब एक एक करके आप ध्यान से समझिए मेरी बात। नेप्थेलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? तो भाई नेप्थेलीन के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। वो कैसे? एक ये जिसमें ये बना, दूसरा इसका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन करा दो, तो इसका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखिए ऐसा बनेगा, इसका जब आप कंप्लीट डिलोकलाइजेशन कराएंगे, जो तो डबल है वो सिंगल, जो सिंगल है वो डबल, यानी ऐसा करने पर आपको यहां डबल, यहां सिंगल और डबल, और इस तरह से मिल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, ये इसका पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब एक और कौन सा आ जाएगा भाई? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन तो कर चुके, ध्यान से सोचिए ये दो बेंजीन रिंग है, एक बार आप डबल बॉन्ड यहां दिखाए और इस तरह से अल्टरनेट डबल सिंगल बनाया, एक बार आपने डबल बॉन्ड यहां दिखाया और अल्टरनेट डबल सिंगल बना के दिखाया, अब एक बार डबल बॉन्ड आप यहां दिखाओ, अब अच्छा यहां पर आप इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, एक ही बात है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दिया, अब इधर दिखाओ या इधर दिखाओ एक ही बात है। तो ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर, और ये नीचे वाला अभी हटाओ। अभी नेप्थेलीन में इंपॉर्टेंट बात समझो कि देखो रेजोनेंस से कितना अच्छा सवाल यहां पर क्रिएट किया जा सकता है, रेजोनेंस से कितना अच्छा सवाल क्रिएट किया जा सकता है। ये बन गए इसके तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए यहां नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बना लिया। अच्छा, अब जो मैथ मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। C1, C2, यहां पर मुझे C1, C2 कैसा दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। और C2, C3 कैसा दिख रहा है? डबल बॉन्ड। हर एक में लिखते जाइए। इस वाले में C1, C2 कैसा दिख रहा है? C1, C2 दिख रहा है डबल बॉन्ड। और C2, C3 कैसा दिख रहा है? C2, C3 दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इधर वाले में आ जाइए, C1, C2 कैसा दिख रहा है? डबल बॉन्ड। और C2, C3 कैसा दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। कल जब हम लोग रेजोनेंस पे बातें कर रहे थे तो वहां पर एक टॉपिक ये आया, एक पॉइंट ये आया था कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भले ही नंबर में कम हो, नॉन इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट ही ज्यादा स्टेबल होंगे। और रेजोनेंस हाइब्रिड को कौन एक्सप्लेन करेगा? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हैं, सभी इक्विवेलेंट हैं, या कोई भी इक्विवेलेंट ना हो, सभी इक्विवेलेंट हो तो भी नहीं जज कर पा रहे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कोई भी इक्विवेलेंट ना हो तो भी नहीं जज कर पा रहे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तब क्या करेंगे? तो देखिए ये सभी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऐसे में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दें? तो सबको, सबको ज्यादा स्टेबल, बराबर बराबर स्टेबल, तो ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस हाइब्रिड में किसको दें?
मैं ये अच्छे से जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि C1 C2 सिंगल बॉन्ड नहीं है, C2 C3 डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करूं तो मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से तैयार करने को मिलेगा। हाइब्रिड तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, सही कह रहा हूं? पूरी रिंग में डिलोकलाइजेशन हो रहा है। RH तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड में किसकी ज्यादा माने? तो भाई देखो सब बराबर बराबर स्टेबल है, ऐसे में मेजॉरिटी जो बोलेगी उसी की बात सुननी पड़ेगी। तो मेजॉरिटी क्या बोल रही है? यहां पर तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C1 C2 सिंगल, C1 C2 डबल, C1 C2 डबल, तो यहां पर मेजॉरिटी बोल रही है C1 C2 डबल बॉन्ड है। समझ में आया? यानी मैं यहां पर इनकी बॉन्ड लेंथ को एक्चुअल में एग्जामिन करना चाहता हूं, तो मैंने इसको दे दिया ए और इसको दे दिया बी। ए और बी बॉन्ड लेंथ है, तो मेरा कंक्लूजन क्या है? बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं जानना चाहता हूं। हालांकि मुझे ए और बी की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं C1 C2 करके अपना काम चला लूंगा कि किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, मेरा काम ऐसे भी चल जाएगा ना। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो दो लोग कह रहे हैं कि C1 C2 बड़ा है, C1 C2 की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड है, और C1 C2 एक कह रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ज्यादा प्रायोरिटी हम C1 C2 में डबल बॉन्ड को देंगे। अब C2 C3 को देखिए, दो लोग कह रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है और एक कह रहा है कि ये डबल है, इसका मतलब मोर प्रायोरिटी हम C2 C3 में सिंगल बॉन्ड को देंगे और सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ C2 C3 इज ग्रेटर देन C1 C2, और अगर मुझे यही चीज बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखनी हो, अगर मुझे यही चीज बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखनी हो, तो देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, सिंगल को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। हालांकि कोई भी डबल सिंगल नहीं है, यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो भी इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो C1 C2 वाला यहां पर डबल कह रहा है, ये भी कह रहा है डबल, तो C1 C2 वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और C2 C3 वाले की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ऐसे सवाल एडवांस तक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? तो जो रेजोनेंस हमने पढ़ा उसी से हमें ये सब समझ में आएगा। नोट कीजिए, इसको जल्दी से छापिए। ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? देखिए, क्या आप सभी को यह कंसेप्ट क्लियर है? क्या आप सभी को यह कंसेप्ट क्लियर है? लास्ट आता है एंथ्रासीन। इसके कितने बनेंगे? एंथ्रासीन कितने हैं? तीन बेंजीन रिंग है। तीन बेंजीन रिंग है, इसके कितने बनेंगे? कोई बताएगा इसके कितने बनेंगे? सोचिए सोचिए, आइडिया कुछ लगाइए। ये एंथ्रासीन ऐसे है, कितने बनेंगे बताइए? चलिए देखते हैं कौन आंसर देता है। एंथ्रासीन के कितने बनेंगे? तीन, या और ज्यादा या कम? चलिए अभी चार पे रोक के देखते हैं और बन सकते हैं कि नहीं, या चार पे भी हटाना पड़ेगा, चेक करते हैं। ये है, एक बार रेजोनेंस कराकर आपने यहां पर डबल बॉन्ड लाया, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, इसका कंप्लीट डिलोकलाइजेशन कर दीजिए, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए दूसरा तैयार, फर्स्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और क्या कर दे, दो तो हो गए। तीसरे में क्या कीजिए? वही काम जो मैंने आपको बताया, वही काम कीजिए।
ये लीजिए, तीसरा तैयार हो गया, बताइए यहां डबल बॉन्ड आ गया, और चौथे में क्या करेंगे, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ गए? तो ये काम करना था, एक साथ डबल बॉन्ड ना लगा देना। तो ये वाला हो गया थर्ड और ये वाला हो गया फोर्थ, तो ये बनेंगे इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस इतना समझ लीजिए, अब आपको आइडिया लग गया, अब आप बनाना चालू करिएगा और इन सब की प्रैक्टिस और भी कीजिएगा। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब लास्ट टॉपिक रेजोनेंस का बचता है कि कैसे जज करेंगे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, ये बात को कैसे हम जज कर पाएंगे, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हेडिंग डाल देंगे आप मेरे साथ, रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लास्ट टॉपिक है बस, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चार स्ट्रक्चर बोल देंगे, बोलेगा कि बताओ इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख के दिखाओ, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। तो इसके मैं आपको तरीके बता रहा हूं, रूल्स बता रहा हूं, प्रायोरिटी वाइज, यानी सबसे पहले क्या लगाना है, केस नंबर वन, फेल हो जाए तो टू, फेल हो जाए तो थ्री, फेल हो जाए तो फोर, ऐसे प्रायोरिटी वाइज। और केस मैं पहला दूसरा बता दूंगा, इसके बाद आपको मेरे जो मैं जो भी बताऊंगा यहां पर, आपको कुछ ऐसा डाउट सोचना है, ऐसा डाउट पूछना है जिससे मेरा वो केस, बताया हुआ केस बेकार हो जाए, है ना। कुल मिला के मेरे को फेल करना है आपको, है ना, तो चाहे जैसे भी अपना क्रॉस क्वेश्चनिंग तैयार करो और मुझे फेल करना है, और वही अगला केस बनता जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहला है केस नंबर वन, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट कंप्लीटेड इज मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर क्या बल्कि यहां पर होना चाहिए मोस्ट स्टेबल, क्योंकि जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एलिमेंट का ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो उससे पंगा नहीं लिया जाता, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप कई जगह ऑर्गेनिक में अभी पढ़ेंगे, और ट्वेल्थ पास आउट वाले अगर देख रहे हैं तो वो पढ़ भी रहे होंगे, जैसे आपको ये मिल जाता है RCOCP+, ये कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी मैं किसी भी कार्बोकेटायन से चेक करूं तो ये मोस्ट स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल कुछ होता ही नहीं है। कोई रिंग एक्सपेंशन कराने की जरूरत नहीं, कोई रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों भाई, ये क्यों मोस्ट स्टेबल है, जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, खुद आपको समझ में आएगा। देखिए, ये ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड यहां पर आएंगे, और कार्बन के पास खाली जगह है, प्लस लिखा है ना, तो ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पे प्लस, और ये सी, ऐसे हो गया, तो ये बना लेता है। अब ये कार्बोकेटायन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर ऐसा बन जाता है, और यहां पर देखिए आर है ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां तीन बॉन्ड पे प्लस दिखा रहा है तो भी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी यहां सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ऐसा कार्बोकेटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, यानी किसी का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो मोस्ट स्टेबल है। अब बात आती है कि अगर इसको फर्स्ट बोला जाए और इसको सेकंड बोला जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो भाई देखिए इस फॉर्म में तो सबका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता दिख रहा है, इस फॉर्म में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता दिख रहा है, तो यानी सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, जिस पे टिक लगा दूं वो मोर स्टेबल है। पहला केस नोट कीजिए जल्दी से, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो एटम स्टेबिलिटी पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना है, एटम स्टेबिलिटी, ऑक्टेट का मतलब यहां सिर्फ एटम स्टेबिलिटी से। आते हैं नेक्स्ट केस नंबर टू, केस नंबर टू,
अब अभी यहां पर आप क्या बोलोगे, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या करोगे, अब यहां से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चालू करना है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि अगर भाई ये ऑक्टेट किसी का कंप्लीट नहीं है तब क्या करेंगे, या सभी का कंप्लीट है तब कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, चलिए उस पर आते हैं। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाइए तो यह चेक कर लीजिए कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। अब आप ढूंढिए कि आप मेरे इस केस को कैसे फेल करेंगे, सोचिए। तब तक मैं आपके लिए एग्जाम्पल तैयार कर देता हूं। 1,3-butadiene और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम कर दिया, ये पाई बॉन्ड एक तोड़ दिया। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर मैंने ये पाई बॉन्ड तोड़ा है तो यहां एक माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा, दिख रहा है ना आपको। तो अब इसी में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसी में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है ए में, और बी में कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कम, क्योंकि एक बॉन्ड तो तोड़ ही दिया, गिनने की जरूरत क्या है। यानी ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये वाला लेस स्टेबल। समझ गए। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड मिले वो ज्यादा स्टेबल। अब सोचिए अपना क्रॉस क्वेश्चनिंग। हाँ बिल्कुल सही, स्मृति का सवाल बिल्कुल सही है, क्या होगा जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। देखिए स्मृति ने मेरा केस नंबर 2 को फेल कर दिया। अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है तब तो जिसपे ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल। तो इन्होंने पूछा कि अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो जाएंगे तब सर आप क्या करोगे, ये तो केस नंबर 2 तो बेकार हो गया, गया। तो चलिए केस नंबर 3 पे आते हैं। If number of covalent bond present in a resonating structure are same, then the resonating structure in which no charge, then the resonating structure in which no charge, no charge is present, no charge is present, is more stable, is more stable। समझ गए भाई, जिसमें चार्ज ना हो वो ज्यादा स्टेबल है और जिसमें चार्ज है वो कम स्टेबल है। ऐसा कोई एग्जाम्पल बनाया जा सकता है क्या, NH2CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को एग्जाम्पल से ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, रेजोनेंस करा दिया, तो ये आ गया NH2, N पे आ गया प्लस, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां आ गया माइनस, ये हो गया B, ये हो गया A। अब देखिए यहां पर मैंने एटम को तो एक को भी इधर उधर नहीं किया, और इन सबके बीच में एक सिंगल और एक ये डबल, तीन कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर भी देखिए दो और एक, तीन कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हैं। इन सबको गिनने से कोई फायदा नहीं है, सी एच बॉन्ड को, एनएच बॉन्ड को, वो सेम आएगा। तीन कोवेलेंट बॉन्ड यहां दिख रहे हैं, तीन यहां पर भी दिख रहे हैं, इसमें चार्ज नहीं है और इसमें चार्ज है, तो ये ए वाला मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और बी वाला लेस स्टेबल। समझ गए, देखते जाइए, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो तो ऐसे में देखेंगे जिसमें चार्ज ना हो वो ज्यादा स्टेबल, और जिसमें चार्ज है वो लेस स्टेबल। चलिए अपना क्रॉस क्वेश्चनिंग सोचिए। तो आपका क्रॉस क्वेश्चनिंग अब क्या होना चाहिए था, केस नंबर 4, इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेम एज वेल एज चार्ज आल्सो प्रेजेंट, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम हो। अगर आप ये कोवेलेंट बॉन्ड सेम नहीं रखोगे तो मैं तो बोला ही था, मैं प्रायोरिटी वाइज सिखा रहा हूं, मैं तो पहले वाले केस पे जाके फिर से चला जाऊंगा दूसरे वाले केस पे और बोल दूंगा इसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप मेरे को फंसाना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही सारी चीजें ब्लॉक करते जाइए, ठीक है, कि अब आप फंसा पाओगे ऐसे में सही से कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है तो केस नंबर 2 बर्बाद, ठीक है, चार्ज भी प्रेजेंट है तो केस नंबर 3 भी बेकार। तो
तो ऐसे में क्या करेंगे? देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच चार्ज प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन इज मोर स्टेबल. चार्ज प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन इज मोर स्टेबल. ये कैसे भाई? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ब्यूटाडाइन वाले एग्जाम्पल पे थे, तो यहां ब्यूटाडाइन वाले एग्जाम्पल पे मैंने ऐसा बनाया था, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, याद आ रहा है? ठीक है, अब आप यहां पर रेजोनेंस करिए. मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड हो सकता है कि नहीं? अगर ये मल्टीपल बॉन्ड टू अ बॉन्ड हो जाएगा तो बताइए यहां पर क्या आ जाएगा? ये कार्बन सिंगल, यहां डबल, फिर ये कार्बन यहां माइनस और यहां प्लस. देख लीजिए, ये बी हो गया, ये वाला ए हो गया, और इन ए और बी में ध्यान से देखिए, दो और एक तीन और एक चार, एक और दो तीन और एक चार, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सेम. चार्ज दोनों में है, ऐसे में कौन ज्यादा स्टेबल? जिसमें चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हो वो मोर स्टेबल. तो ये ए वाला क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल. और ये बी वाला क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल. कुछ भेजे में गया? कैसे पहचानते हैं कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है? क्लियर है? ये था हमारा केस नंबर 4. चलिए फिर से मेरे को फंसाइए. कैसे फंसाएंगे मेरे को बताइए? इफ ऑल द स्ट्रक्चर हैव नो चार्ज, नो चार्ज वाले में तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है कि नहीं है? अभी ये सब पता चलेगा. अभी तो चार्ज ले ही आए हैं. स्मृति का डाउट था कि अगर चार्ज किसी में ना हो तब क्या करेंगे, चलिए उस पर भी बात करेंगे. स्मृति, यहां तक समझ में आया? अब इसको कैसे आप फेल करोगे? केस नंबर 4 को कैसे फेल करोगे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो, चार्ज भी हो और चार्ज एडजेसेंट पोजिशन पे भी हो, अब फंस गए. केस नंबर 2 बर्बाद, 3 बर्बाद, 4 भी बेकार. देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज मोर स्टेबल. ऐसे में जहां पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्रेजेंट है वो ज्यादा स्टेबल होगा. कोई एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, ये है. इसमें एक बार मैंने यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड तोड़कर यहां पर प्लस और यहां पर माइनस लगा दिया, और दूसरी बार मैंने इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ओ, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस बना दिया. अब आप देखिए, ये ए है और ये बी है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4, यहां पर भी 4, चार्ज दोनों में है, चार्ज एडजेसेंट में भी है, ऐसे में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस चार्ज वाला मोर स्टेबल. ये वाला ए वाला क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल. समझ में बात आ रही है? क्लियर हुआ? देख लीजिए, और एक बात और इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड सेम मिल जाए, चार्ज भी हो, ऐसे में वन टाइप चार्ज अगर है किसी कंपाउंड में, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर एक सिंगल चार्ज है एक टाइप का, या तो प्लस या माइनस, और किसी एक में दोनों टाइप का चार्ज है, तो सिंगल टाइप चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, आते हैं केस नंबर 6 पे. इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर सेम एज वेल एज चार्ज ऑल्सो प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सब कुछ लगा डाला, देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज मोर स्टेबल. ऐसा भी कोई एग्जाम्पल होगा क्या जिसमें यह सब कुछ लग गया हो और फिर उसमें पूछा जाए? देखिए, है एग्जाम्पल में है एजाइड आयन, एजाइड, एजाइड आयन कैसे बनेगा? ये देखिए, ये माइनस प्लस माइनस, ये है N3-, और इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो ये N, ठीक है, 2 पे माइनस, 2 माइनस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड N, यहां पर प्लस और यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एन,
समझ पा रहे हैं? देखिए ए बी लगाइए यहां पर अपने फंडे पुराने, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो दो चार सेम है, चार्ज प्रेजेंट है दोनों में, चार्ज प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट ये भी है, एडजेसेंट ये भी है, अब ऐसे में कौन सा ज्यादा स्टेबल? चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो भाई नाइट्रोजन तीनों सेम ही है यार, अब क्या बताएंगे? तो ऐसे में जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां प्लस है और यहां माइनस माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ऐसे में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। समझ गए? देख लो भाई, यहां तक कोई डाउट? ये था केस नंबर 6। यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है? जल्दी देखिए आखिरी केस, जो कुछ भी लगाया सब फेल हो गया। इफ ऑल दी अबव केसेस वर फेल टू जज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन कंपाउंड, देन इसका मतलब सब बराबर है, और उन्हीं को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपने इतने सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, और आप देख लीजिए स्मृति, जो आप पूछ रहे थे अपना डाउट कि अगर चार्ज ना हो, चार्ज भी ना हो, कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम हो, तो ऐसा इक्विवेलेंट बना रहा होगा, और पीछे हम लोगों ने बनाए भी थे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेप्थालीन ले लीजिए, एंथ्रासीन ले लीजिए, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इन सबकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बराबर। चलिए मैं आपको एक केस बताता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां पे माइनस और ये एच, फॉर्मिक एसिड से एक एच निकाल दो तो बन जाएगा फॉर्मेट आयन, ये है ए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें तैयार करना है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलिए हम तैयार करते हैं, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, तो ये बन गया एच सी सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस, यहां आ गया डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया बी। लगाइए अपने सारे केस जितना आप जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एक दो तीन और एक चार बराबर है, चार्ज ना हो दोनों में है, चार्ज अगर हो तो एडजेसेंट में हो, सिंगल टाइप का चार्ज है, एडजेसेंट क्या देखेंगे, ये भी बेकार, चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सब बर्बाद। यानी ईमानदारी से सारे केस लगाए, सब फेल, इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ए बराबर बी, ये किस चीज का ऑर्डर है? स्टेबिलिटी, दोनों ही बराबर बराबर स्टेबल होंगे। तो ये था हमारा केस नंबर 7। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसको अपने केमिस्ट्री डिस्कशन वाले ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर की भी मैं उसी ग्रुप में दे दूंगा, क्या आप लोगों ने जो सॉल्व किया वो आंसर सही है या नहीं। ओके, तो और अगली क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तो अभी चल ही रहा है, फिलहाल अगले सैटरडे को कोई क्लास नहीं है, आप लोग टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, और मंडे से मेरी कोशिश रहेगी कि मंडे से मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास रहे, ताकि जल्द से जल्द ये केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हो। तो ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग यहीं पे कर लेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, बताइए जल्दी से, अभी आप लोगों ने इतने सारे केस पढ़े हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना है, बताइए क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या आंसर देंगे यहां पर? जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल, घटते हुए क्रम में लिखना है, सबसे ज्यादा स्टेबल वाले को पहले और लीस्ट स्टेबल वाले को आखिरी में। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। अब आप लोगों ने कितना सीखा ये 7 केस पढ़ के, 7 केसेस को पढ़कर, ये अब आप लोग देखिए जल्दी से बताइए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा लेस स्टेबल, जल्दी बताइए। पहले चेक कीजिए, इसमें चार्ज नहीं है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी चेक कर लीजिए, एक दो और दो चार, और बाकी सब में क्या दिख रहा है?
OH अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड तो यहां पर भी है ना, वो तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया है मैंने, बनना जाना। तो एक दो चार और दो ये, और ये तीन, तो पांच। उधर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच उसमें भी है। इधर देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? एक। और देखिए चार्ज ना हो तो ये हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा इसी में है। अब यहां पर देखिए बाकी सब में, इन सब में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5। यहां पर देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर देखिए ये इससे बना होगा, कैसे बना होगा? ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, ऐसा करके बना होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो इसके बाद कौन आ जाएगा? बी। इसके बाद कौन आ जाएगा? बी। अब ये दोनों बचे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक दो तीन चार बराबर है, चार्ज प्रेजेंट है, एडजेसेंट पोजिशन वो भी है, चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो ओ, वहां पर ओ पे प्लस है, यहां सी माइनस है, यहां पर सी पे प्लस ओ पे माइनस, तो ये सी, और फिर लास्ट में डी, तो ये इसका आंसर हो गया। ए बी सी डी करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी क्लियर हुआ, ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बाकी के सवाल आप होमवर्क पे लिख लीजिए, अब इसी तरह से आपको चेक करना है। अच्छा, कभी भी जेई में आए हुए सवाल हैं ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी कभी जेई में भी पूछे गए हैं। पिछले 4-5 साल में एक आध क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, चार ऑप्शन बना दिए, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है, कौन सा सही है। गलत ढूंढना हो ना तो कभी भी ऑप्शन में ये चेक करना, कहीं दो माइनस बगल बगल में तो नहीं लिखे गए, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे अगर दो माइनस लिख दिए गए, माइनस माइनस, एडजेसेंट पोजीशन पे दो प्लस लिख दिए गए, प्लस के बगल में प्लस, माइनस के बगल में माइनस, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपना आराम से नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ये भी आपका होमवर्क में है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे इसका सॉल्यूशन पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा एक और, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन सवाल हो गए जो आपको दिए, जल्दी से नोट कीजिए, बस इतने हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ अपना रेजोनेंस टॉपिक। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों का ये केमिकल बॉन्डिंग 1 भी खत्म हो गया। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। अब अगली क्लास से, जो मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग मैं बता दूंगा, तो मंडे से जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें केमिकल बॉन्डिंग 2 पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब अपना सिर्फ 3 टॉपिक बचा है पूरे केमिकल बॉन्डिंग में, सब पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और तीसरा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। ये 3 टॉपिक अपने को सीखने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।